गत 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के अवसर पर जनपद वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के इंजीनियर्स ने प्रतिभाग किया। इस उपलक्ष्य पर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के चित्र पर पुष्पार्जन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं विश्वेश्वरैया के जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र का अवलोकन भी किया गया। पूना से इंजीनियरिंग की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ इन्होंने उत्तीर्ण की। इस पर बंबई सरकार ने उन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति दी। इंजीनियर के रूप में मोक्ष विजडम ने बांधों से व्यर्थ रहने वाले पानी को रोकने के लिए ब्लॉक पद्धति का आविष्कार किया। हैदराबाद की मूसा नदी में बाढ़ से होने वाले जान माल की क्षति को रोकने के लिए उन्होंने नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई, जो सफल रही। नदी किनारे उन्होंने सुंदर पार्क विकसित किए, जो आज भी हैदराबाद शहर की शोभा है। उनकी प्रमुख देन कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध का निर्माण थी। वह उस समय एशिया का सबसे बड़ा बांध था। बांध बन जाने से मैसूर राज्य की काया ही पलट गई। इसी बांध से विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ, जो वरदान सिद्ध हुआ। ये आज इंजीनियर्स डे मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया जी का आज जन्म दिवस है और पूरे भारत में उनकी जन्मतिथि को हम लोग इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज 56वां इंजीनियर्स डे अभियंता दिवस का समारोह आज वाराणसी लोकल सेंटर की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इंजीनियर्स डे पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवानिवृत्त इंजीनियरों का सम्मान भी किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित इंजीनियर्स ने अपने विचार रखे। मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया जी का जीवन वृत्त यहाँ वाचित हो रहा था, तो इसमें एक शब्द आया कि उन्होंने 5 किलोमीटर दूर टूटी हुई रेल पटरी को ये जान करके कि इसकी आवाज परिवर्तित हो रही है रेल की, उन्होंने आकलन किया कि वहां पे पटरी टूटी हुई है। तो मैं ऐसे सोचने लगा कि ये इसके पहले कैसे कैसे हुआ, आवाज के आधार पर किन किन ने जो है इस विधा में पारंगतता हासिल की थी। तो सबसे पहला नाम मैंने भी लिख लिया इसे, भगवान आशुतोष के डमरू की 14 ध्वनि जबाई थी, तो 14 ध्वनि के जो सूत्र बने उससे संस्कृत व्याकरण की रचना करी महर्षि पाणिनि ने। तो नाथ ब्रह्म के वो जो है पहले ऐसे विशेषज्ञ हुए जिन्होंने की 14 सूत्रों के आधार पर पूरे व्याकरण की रचना की।